शेख साहब, बुआ जी कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही भ्रष्ट है। देखिए, जाति रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी चित तैसी। जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है सीबीआई की रेड टीम के ऊपर पड़ रही है, जिसके कई अधिकारियों पर पड़ रही है, छापे लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है। परंतु इस महागठबंधन से एक बात सामने आ गई कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी की औकात केवल 2 सीटों की बची है। दूसरी एक बात और, अजीत सिंह जी की राष्ट्रीय नामो निशान नहीं है, तो 2 पार्टियों के गठबंधन को महागठबंधन कहना सही है कि 2 गठबंधन कहना उचित होगा? बिल्कुल, लेकिन गुरेश जी, मतलब ये जो गठबंधन हुआ है, जो सहूलियत के हिसाब से गठबंधन हुआ है, जिसको लेकर खुद अभी दोनों ही दल क्लियर नहीं है कि गठबंधन कितना आगे चलेगा, चुनौती कितनी बड़ी देखती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, चुनौती नहीं, अच्छा हुआ। इससे ये होगा कि जनता के समक्ष भी किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होगी। और आजकल आप देखिए कि यूजुअली जो लोकसभा के चुनाव है, या कुछ अपवादों को छोड़कर जो भी चुनाव होते हैं, जनता क्लियर कट मैंडेट देती है, चाहे हमारे विरुद्ध में दे या हमारे पक्ष में दे। मैं दोनों स्थितियों को सामने रख के ही कहता हूँ, तो जनता की दृष्टि में कुछ भी भ्रांति नहीं होगी। और मुझे अपेक्षा है जिस प्रकार से हमारी सरकारें, दोनों केंद्र की हो या राज्य की हो, उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है, जनता का आशीर्वाद भरपूर मिलेगा।